अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडिटर्स। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए से बहुत प्यारे प्यारे DIY, और जिसको आप सॉइल से भी बना सकते हैं, मिट्टी से भी बना सकते हैं, बहुत इजी होगा ये DIY। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉइल लिया है, मैं आपको सॉइल से बना के बताती हूँ। तो इस तरह से आपको लेना है मिट्टी, आपको कुम्हार के यहाँ से भी मिट्टी मिल जाएगी बहुत आसानी से, नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको बस और बस ना इसको इस तरह का कोई शेप देना है। तो मैंने ना क्या किया, बहुत सारी मेरी जो क्ले बच जाती है ना उससे बना के मैंने बहुत सारे पीसेज ऐसे रख लेती हूँ मैं, जब भी क्ले बचती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये पीस। और क्ले ड्राई होने से अच्छा है कि इस तरह के पीस आप बना के रख लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ भी, या फिर आप छोटी बीड्स भी बना के रख सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब शेप बना के रख सकते हैं और उसमें एक मतलब इस तरह का होल कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने बना लिया है सभी को। और ये देखिए कितने अच्छे से मिट्टी वाला भी सूख चुका है अच्छे से। तो अब इसको हल्का हल्का ना स्मूथ कर देंगे, और स्मूथ करते में ये पीस टूट गया मेरा। तो कोई नहीं, इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं, इसको ग्लू से लगा लेते हैं। तो इसलिए भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ एक बार में नहीं बनता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, और वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी सी और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी। तो प्लीज़ ये चीज़ करके जाइएगा। तो इस तरह से चलिए, अब सभी को वाइट एक्रेलिक पेंट से मैं एक बेस कोट दे रही हूँ, तो सबको मैंने इस तरह से पेंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ब्लू यूज़ कर रही हूँ, ब्लू पेंट। ब्लू में मैंने थोड़ा सा ब्लैक मिला दिया था, तो बहुत प्यारा सा एक शेड बन गया। तो इस तरह से ना आपको तो समझ में आ गया ही होगा कि मैं यहाँ पर आइज़ बना रही हूँ। तो इस तरह से ना मैं ब्लैक पे मतलब ब्लू ब्लैक आप कोई भी डार्क शेड यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा प्यारा लुक आएगा। तो मैंने ना वैसा वाला थोड़ा सा इंक वाला लुक आता है ना, तो उस तरह का कुछ मैंने इसको पेंट करने का सोचा है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मैं बहुत ज़्यादा इसमें वैसे मेहनत करके, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप भी आसानी से कर सकते हो। आप देखिए कैसे गिचिर पिचिर सा हो रहा है, लेकिन ना वो उसी तरह का कुछ मुझे लुक चाहिए था। तो इस तरह से आप धीरे धीरे डॉटिंग टूल का मैंने यूज़ कर लिया, और थोड़ा सा ना थोड़ा सा मैंने पेंट किया उसमें ज़्यादा पानी मिला के थोड़ा सा इंक वाला लुक दिया है, ठीक है, शेड दिया है। तो बहुत कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, जिसकी पेंटिंग मेरी तरह बिल्कुल ख़राब हो ना वो भी आसानी से बना सकते हैं इस DIY को। और ये बनने के बाद ना बहुत प्यारा लगेगा। और ये ना एक तो बची हुई क्ले होती है, उसका समझ में नहीं आता है कि उस टाइम पर क्या करें, तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना के रख सकते हैं। आगे मैं एक और DIY आपको दिखाऊँगी, बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है वो भी, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पेंट ब्रश में ना थोड़ा सा पेंट लिया है, और ज़्यादा एक उसमें पानी मिला के, और इस तरह से ना थोड़ा इंक वाला लुक यहाँ पे दे रही हूँ, थोड़ी शेडिंग वाला मतलब दे रही हूँ। मेरी शेडिंग तो इतनी कोई खास नहीं ना है, अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़े सा काम चलाओ वाला मतलब तरीका ढूंढती रहती हूँ कि कैसे मैं पेंटिंग से मतलब बचूँ क्या, मतलब करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उतना कोई खास नहीं है मेरी पेंटिंग, आप लोग अगर मेरे वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो इस तरह के मैंने 6 पीस रेडी कर लिया है, तो उसी को मैं सबको थोड़ी अलग अलग मतलब शेड दे के अलग अलग तरह की आइज़ बना रही हूँ पेंट से। तो चलिए इस तरह से कर लेते हैं। तो ऐसे तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है तो आप सोचोगे कि आप कैसे DIY करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतने DIY बनाती हूँ, लेकिन मेरी पेंटिंग कोई बहुत खास नहीं है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखाती हूँ, अगर मुझे जहाँ पर पेंटिंग नहीं आ रही है तो मैं इस तरह के कुछ शेड वाले या बचने वाले तरीके ढूंढ लेती हूँ, जैसे कि पानी मिला के उसे शेड दे दो तो इंक वाला लुक आ जाएगा, थोड़ा मॉडर्न लुक आ जाएगा, तो प्यारा लगेगा। तो इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डॉटिंग टूल का यूज़ किया है, और अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप पेन की निब का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोल बोल के पका चुकी हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास डॉटिंग टूल, वो तो कोई भी देख के समझ जाएगा। खैर चलो ठीक है, फिर भी जो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसमें ना फिर से बोल दे रही हूँ, आप इसमें पेन का यूज़ कर सकते हैं, पेन की निब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डॉटिंग टूल हो। तो चलिए इसी तरह से बात करते करते ना बस मेरी सारी ये कंप्लीट ही होने वाले थे पीस, और आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से मैं इसमें कुछ भी बना रही हूँ। और ये ना मतलब शेड टाइप का बहुत एक मॉडर्न सा लुक, बहुत स्मार्ट सा मतलब ये पीस हमारा बन के रेडी होगा। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े पानी ब्रश में मिला के इस तरह से मैं कुछ कुछ, और सारे को ना मैंने ब्लू ही पेंट किया, ठीक है। एक मैंने थीम में रखा है, ब्लू और वाइट का ही कॉम्बिनेशन दिया है। तो आप चाहे तो और भी आप बोहो शेड में पेंट कर सकते हैं इसको, अलग अलग तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मेरा काम है बस आपको एक आइडिया देना कि आप क्या कर सकते हो उससे। अब चलिए सबको वार्निश से सील कर देते हैं। तो इसी तरह से अच्छे से कोट लगाइएगा, तो इससे एक बहुत प्यारा सा एक सिरेमिक वाला लुक आएगा। और मैंने इसको थोड़ा सा टर्किश थीम में मतलब टर्किश वाला लुक दिया है, ठीक है। तो बहुत प्रिटी ये पीस रेडी होगा। तो अब इस तरह से सारे ड्राई हो गए हैं, अब इसके होल को अच्छे से एक बार डाल लेते हैं, क्योंकि वार्निश किया था ना हम लोगों ने, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। तो अब जैसे आपको सेट करना है अपने पीस को, वैसे आप सेट कर लीजिए पहले। उसके बाद ना बहुत अच्छे से इसको ना वायर, इस तरह के जो पतला वाला बिल्कुल एक वायर आता है ना, उससे हम इसमें
इसको हैंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको हैंग करना है। पहले नीचे वाले में मैंने ऐसे लगा के और इसको ऐसे देखिए कितनी अच्छे से शाइन आ गई है इसमें, अच्छे से ऐसे मैंने मोड़ लिया। अब चलिए एक एक को डालते जाएंगे और फिर ऐसे डाला मैंने। अब ऊपर के साइड से इसको पहले सेट कर लेंगे और आप ध्यान से देखिए कि मैं इसको कैसे बांध रही हूँ। मैंने इसमें थ्रेड का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने वायर का यूज़ किया ताकि मैं इसको जैसे भी शेप देना चाहूँ। वायर बहुत अच्छे से मैनिपुलेट हो जाता है, तो आप जैसे भी इसको करना चाहे शेप आप वैसे दे सकते हैं। आप सीधा भी टांग सकते हैं, आप आइस को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ऊपर नीचे, आप समझ रहे हैं, ट्विस्ट करके थोड़ा सा घुमा सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस तरह से इसीलिए मैंने वायर का यूज़ किया, आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सबको ऐसे लगाती जा रही हूँ इसमें। तो चलिए लगा लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही लगाना है। अब लास्ट वाले पीस को मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर हैंग करने के लिए भी हम इसी वायर से ही बना लेंगे। तो इसको डालेंगे लास्ट वाले पीस को, इसको भी सेम इसी तरह से देखिए आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है ऊपर के साइड पे अच्छे से सेट करके और फिर ऐसे घुमा के आपको लाना है। और फिर यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया, फिर से एक बार घुमा के ऊपर, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना। अब फिर वायर को अच्छे से मोड़ देंगे तो ऊपर हैंग करने के लिए अच्छे से बन जाएगा हमारा। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसको काट के हम निकाल देंगे। तो चलिए इसी तरह से बहुत इजी ये पीस था। जो भी आपके क्ले के पीस बच जाते हैं, आप ऐसा नहीं है मेरे एक बार के सारे बनाए हुए नहीं है, मेरे दिमाग में DIY चल रहा था। मैं क्या कर रही थी ना कि जो भी मेरे पीसेस बचते जाते थे ना मैं इसको रखती जाती थी बना बना के, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो आप इस तरह से इसे वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी मास्किंग टेप से आप लोगों को लगा के दिखाया है। और पता है मैं जब से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना आवाज़, पीछे एक भैया आए हुए हैं इडली बेचने के लिए, वो तब से मेरी आवाज़ ख़राब कर रहे हैं। बार बार उसमें इडली वाला वो जो एक होता है ना वो बजा दे रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए। आप लोग भी सोचोगे मैं क्या क्या दुखड़े सुनाने बैठ जाती हूँ यहाँ पे। खैर, तो इस तरह से आप किसी भी तरह से इसको हैंग करिए, डेकोरेट करिए। अब चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं जो बहुत सिंपल है। तो इस तरह से मेरे पास ना थोड़ी सी क्ले बच गई थी जो मैं वॉल पुट्टी डो बनाती हूँ, उससे मैंने इस तरह का कुछ शेप बना दिया पम्पकिन की तरह, और इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। तो चलिए आप किसी भी चीज़ से डिटेलिंग ऐड कर दीजिए, बहुत सिंपल है। आप ऐसे ऐसे दो चार पीस भी बना के रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले एक पम्पकिन बनाया था, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, आप देख लेना जाके। तो इस तरह से मैंने इस पर अच्छे से डिटेलिंग ऐड कर दी, इसको स्प्रे गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया, फिर आप गोल्डन पेंट से भी कर सकते हो। और ये रहा इसका फाइनल लुक। एक छोटा सा मैंने एक और ये बनाया था, क्ले बच गई थी तो वेस की तरह, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा, और मतलब कमेंट करके तो मुझे ये ज़रूरी बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बाकी वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जो भी होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आप अपना देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ ये सारा कुछ करके जाइएगा। बाय बाय।